स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस लेक्चर में हम फंक्शंस डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और डियर स्टूडेंट्स, इन कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करें। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी हम किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरह डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी विद ए बिलोंग्स टू ए and B belongs to B, that is A cross B which is equal to set AB where A belongs to A and B belongs to B. This is the definition of Cartesian product. जो Cartesian product होता है किसी भी दो sets का, वो क्या होता है? Set of ordered pairs होता है, set of ordered pairs। इसमें जो पहला element होता है वो set A से आता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट बी से आता है। तो किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इस तरह डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेट ए लेते हैं कोई और ये सेट बी लेते हैं, तो इसका स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? देन ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अब हम क्या लेंगे, यानी ये फर्स्ट को यानी जो वन है इसको मैप करेंगे वन पर भी एंड फाइव पर भी, यानी ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, यानी वन वन, यानी ये जो वन होगा वो वन के साथ आएगा, फिर यही वन सेट बी के फाइव एलिमेंट के साथ है, यानी वन वन, एक ये ऑर्डर पेयर बन गया, फिर सेकंड ऑर्डर पेयर होगा वन फाइव, फिर स्टूडेंट्स हम टू को लेंगे, उसका ऑर्डर पेयर बनेगा वन के साथ फाइव के साथ, ये वन के साथ ऑर्डर पेयर और फिर ये फाइव के साथ, फिर हम क्या लेंगे थ्री को, यानी वन के साथ ऑर्डर पेयर लेंगे और फाइव के साथ, थ्री का वन के साथ ऑर्डर पेयर, फिर थ्री का फाइव के साथ ऑर्डर पेयर। तो इस तरह ये जो हमारे पास सेट बनेगा स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। नेक्स्ट है, वी मे विजुलाइज ए क्रॉस बी। हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को विजुलाइज कर सकते हैं, इसकी हम डायग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो मैंने ए डिफाइन किया है वो सेट कौन सा है? ए विच इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर। अब जो एक्स है वो ग्रेटर देन वन लेस देन टू है, एंड बी जो बी सेट है वो वाई बिलोंग टू आर, वाई ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो लेस देन इक्वल देन वाई, और वाई ग्रेटर देन इक्वल देन टू लेस देन इक्वल देन थ्री। अब ये स्टूडेंट्स हमने कोई बी सेट डिफाइन कर लिया है और ए सेट डिफाइन कर लिया है, अब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम कैसे विजुलाइज करेंगे? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये जो एरिया है सारा ये क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एरिया होता है। इसमें जो एक्स एक्स, अब ये समझ लें, ये कोई ए सेट होता है और ये वाई एक्स पर स्टूडेंट्स क्या होता है? बी सेट। और ये जो अभी ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है ये सारा एरिया स्टूडेंट्स क्या है? ए क्रॉस बी है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर हम ए से कोई ए एलिमेंट पिक करते हैं तो सिमिलरली बी से हम कोई बी पिक करें तो ये जो एक एलिमेंट बनेगा या एक सेट बनेगा या ऑर्डर पेयर बनेगा ये इसी क्या होगा? ए क्रॉस बी में ही लाई करेगा। इसी तरह अब जो यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी यहाँ पर डिफाइन किया स्टूडेंट्स, अब ये उसकी क्या है? विजुलाइज इमेज है। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम जो डिफाइन कर रहे हैं ए को, वो हमारे पास क्या है? वन टू टू है। अब ये हमारे पास क्या है? वन टू टू है। और स्टूडेंट्स वाई देखें, वाई हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है जीरो टू वन, यानी जीरो टू वन, यानी ए हमारे पास क्या है? वन टू टू है, और वाई यहाँ पर स्टूडेंट्स जीरो टू वन है। इस तरह ये हमारे पास इसका एरिया बनता है स्टूडेंट्स, यानी अगर हम
अब y की ये वैल्यू लें और x की ये वैल्यू लें, तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स वो ये वाला एरिया होगा, ये सारा जो मैंने अभी डायग्राम में हाईलाइट किया होगा। अगर हम स्टूडेंट्स y की वैल्यू 2, 2, 3 लेते हैं और x की वैल्यू 1, 2, 2 लेते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला एरिया होगा, जो सेकंड वाला एरिया है ये होगा सेकंड जो y की वैल्यू होगी। यहाँ पर स्टूडेंट देखें y की वैल्यू है 2, 2, 3 है और x की वैल्यू स्टूडेंट्स वही है 1, 2, 2। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये जो यहाँ पर मैंने एरो से डिफाइन किया है ए क्रॉस बी, ये स्टूडेंट्स इन दो सेट्स ए और बी के लिए ये क्या है, पार्टीशन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर बी में y की दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, यानी एक है 0 to 1 है और दूसरी यहाँ पर वैल्यू है वो है 2 to 3 है। तो ये दो डिफरेंट इसके क्या आते हैं, अगर हम अलग अलग देखें तो फिर ये हमारे पास दो डिफरेंट इसके पार्टीशन प्रोडक्ट आते हैं। अगर हम बी को एक सेट माने तो फिर हमारे पास क्या आता है, ये दो क्या आते हैं, ए क्रॉस बी आते हैं, यानी यही एरिया होगा ये दो ऐसे, यानी आप समझ लें एरियाज होंगे जिसमें इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लाई करेगा, यानी इस तरह कोई एलिमेंट इन सेट से ही में लाई करेगा, इसके बाहर वो सेट या जो वो ऑर्डर पेयर है वो इसके बाहर लाई नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो हम उसको किस तरह विजुलाइज करते हैं। नेक्स्ट है, अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो आप सब ऑलरेडी फंक्शंस के बारे में जानते हैं, तो हम थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए एंड बी बी सेट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई ए और बी कोई से दो सेट्स हैं। देन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ सेट f of ordered pairs in a cross b। अब जो फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, यहां पर हम इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़ रहे हैं, ऑर्डर पेयर की सूरत में फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो। अब जो फंक्शन फ्रॉम a टू b वो एक सेट होगा, यानी f का ऑर्डर पेयर इन a क्रॉस b। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इस फिगर में देखें, ये हमारे पास a क्रॉस b है। अब जो फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी वो ऑर्डर पेयर्स होंगे जो कि इसी ए क्रॉस बी में क्या करेंगे, लाई करेंगे। सच दैट फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, अगर हम कोई इस ए में से अगर हम कोई ए लेते हैं, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू बी, उसके मुकाबले में स्टूडेंट्स बी में कोई एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता है स्मॉल बी विद ए बी बिलोंग टू एफ। अब जो ए बी ऑर्डर पेयर बनेगा स्टूडेंट्स वो एफ से बिलोंग करेगा, यानी फंक्शन से बिलोंग करेगा। इन अदर वर्ड्स देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए क्रॉस बी है, ऑर्डर पेयर है, ये जो पूरा एरिया है स्टूडेंट्स ये फंक्शन है, यानी अगर हम कोई ए से एलिमेंट पिक करते हैं तो इसके मुकाबले में एक बी में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट विद ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर स्टूडेंट बनेगा वो इसी फंक्शन या आप कह लें ए क्रॉस बी से ही या ए क्रॉस बी में ही लाई करेगा। इन अदर वर्ड्स इफ ए बी बिलोंग टू एफ एंड ए बी डैश बिलोंग टू एफ देन बी इज इक्वल टू बी डैश। यहां पर सिंपल बात है कि अगर हम कोई ए एलिमेंट ए से पिक करते हैं तो इसके मुकाबले में बी एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो ऑर्डर पेयर इसी ए क्रॉस बी से या ए क्रॉस बी में ही लाई करेगा। सिमिलरली अगर हम किसी ए एलिमेंट के लिए कोई बी डैश एग्जिस्ट करता है तो वही ऑर्डर पेयर इसी ए क्रॉस बी में ही लाई करे, देन जो ए सॉरी बी और बी डैश होंगे वापस में एक स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। इसको यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए बी डैश बिलोंग टू एफ इंप्लाइज बी इज इक्वल टू बी डैश इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट। इट सेज दैट एवरी वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू ए
अब ये कोई वर्टिकल लाइन है, लेकिन ए बिलोंग्स टू ए। अब यो जो यहाँ पर जो ए है स्मॉल ए, वो किसी सेट ए से बिलोंग करता है, ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट का ग्राफ ऑफ एफ एग्जैक्टली वंस। यानी ये क्या करेगा, यानी वर्टिकल लाइन टेस्ट ये क्या कहता है, ये क्या कहती है कि अगर कोई x इज इक्वल टू a विद a बिलोंग्स टू a, यह क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है ग्राफ ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली वंस। यानी जो ग्राफ होगा फंक्शन का, उसको क्या करेगा, ये जो वर्टिकल लाइन होगी इस एक पॉइंट पर क्या करेगी स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल यहां पर कोई आप समझ लें, ये कोई हमारे पास ग्राफ है, अगर हम कहते हैं कि वर्टिकल लाइन होगी वो स्टूडेंट सिंपली, अब देखें ये हमारे पास कोई समझ लें ए वाला, ये वाला सारा एरिया ए है, अगर हम कोई लेते हैं वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स को सॉरी ए को अगर हम रख लें टू रख लें, तो एक्स इज इक्वल टू टू की स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। तो देखें ये हमें साफ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज ये बाकी किसी पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर ये होती हॉरिजॉन्टल होती स्टूडेंट्स, फिर ये एक से ज्यादा पॉइंट्स पर टच कर सकती थी या इंटरसेक्ट कर सकती थी, अदरवाइज ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है सॉरी वर्टिकल लाइन है, तो ये सिर्फ ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर टच करेगी। तो ये जो यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है इन अदर वर्ड्स वाली, ये स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन टेस्ट है। तो फंक्शन को हम किस तरह डिनोट करते हैं, एफ यानी ए टू बी, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू, जो फंक्शन की डोमेन होती है डी ऑफ एफ, वो स्टूडेंट्स क्या होता है, ए सेट होता है, और जो रेंज होती है वो सब सेट होता है डी का, जो सेट बी का क्या होती है, सब सेट होती है, जो रेंज फंक्शन की होती है। अब ये थी फंक्शन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन प्रोडक्ट, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये डायग्राम है फंक्शन की, अब ये हमारे पास कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी, अब ये इसमें जो हमने थोड़ा सा सर्कल बनाया हुआ है या इस तरह की जो शेप बनी हुई है, ये स्टूडेंट्स रेंज ऑफ फंक्शन, और ये जो सेट ए है ये होल सेट क्या है, फंक्शन की डोमेन है। अगर हम इसमें से कोई ए पॉइंट पिक करते हैं तो वो स्टूडेंट्स रेंज में नहीं क्या करेगा, वो पॉइंट लाई करेगा, और वो पॉइंट स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, यानी बी इक्वल होगा एफ ऑफ ए के, यानी जो फंक्शन होगा वो ए को ट्रांसफॉर्म करेगा सेट इसमें रेंज के सेट में, या कह लें जो बी है इसमें जो रेंज का सेट होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, ए पॉइंट उस पर मैप होगा या ट्रांसफॉर्म होगा। ये फंक्शन की डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम सॉरी सी थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। असाइड फ्रॉम यूजिंग ग्राफ्स, ग्राफ्स को यूज किए बगैर वी कैन विजुलाइज अ फंक्शन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डोमेन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू ए इन टू सेट ऑफ रेंज जो कि सबसेट है बी का, यानी इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स इस डोमेन में, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स मैप करेंगे किसमें, इसी रेंज में, रेंज के सेट में, यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स ये इसी में ही मैप करेगा, और ये जो पॉइंट स्टूडेंट्स होगा ये भी क्या करेगा, इसी रेंज में ही डोमेन या आप कह लें रेंज के सेट में ही क्या करेगा, मैप करेगा। यानी ग्राफ्स को यूज के बगैर हम फंक्शन को एज अ मैपिंग के तौर पर विजुलाइज कर सकते हैं। व्हेन ए बी बिलोंग्स टू एफ वी थिंक ऑफ एफ एज टेकिंग एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। अब स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन या आप कह लें ए बी बिलोंग्स टू एफ, इसका क्या मीनिंग है, अब इसका मीनिंग ये है कि जो ये जो फंक्शन होगा एफ, ये क्या करेगा, ए में से कोई एलिमेंट ए पिक करेगा स्मॉल ए एंड ट्रांसफॉर्म और मैपिंग इट ऑन टू एलिमेंट बी। अब ये स्टूडेंट्स क्या करेगा, फंक्शन
ए से कोई एलिमेंट पिक करेगा और उसको मैप करेगा रेंज के सेट, जो हमारे पास रेंज का सेट है उसमें जो बी एलिमेंट है उस पर क्या करेगा, मैप करेगा। अब जो बी होगा वो किस तरह डिफाइन होगा, एफ ऑफ ए इन रेंज ऑफ एफ जो कि सबसेट होगा बी का। तो ये इस तरह डेफिनेशन है फंक्शंस की इन टर्म्स ऑफ समझ लिया आप ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हुई स्टडी डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेजेस। अब ये स्टूडेंट्स, ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए न्यू टॉपिक होगा और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये पहला पढ़ा हुआ टॉपिक होगा। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे कि डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेज क्या होती है। सपोज एफ जो कि फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, बी आर फंक्शन विद डोमेन जो कि सेट ए है एंड रेंज जो कि सबसेट है बी। इफ ई इज अ सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, ई सबसेट है किसका, ए का। अब इसको आप यहाँ पर डायग्राम में देखें, ये हमने कोई सेट ए लिया है और जो यहाँ पर ई सेट है वो इसी सेट ए का कोई सबसेट, इसको हमने यहाँ पर विजुलाइज किया ई सेट को। देन डायरेक्ट इमेज ऑफ सेट ई अंडर इस फंक्शन के अंडर इज द सबसेट एफ ऑफ ई गिवन बाय एफ ऑफ ई विच इज इक्वल टू सेट, जिसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, एफ ऑफ एक्स, यहां पर एक्स बिलोंग करेगा ई से। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन होगी कि इसकी डायरेक्ट इमेज की। यहां पर इसको मजीद दोबारा मैं बता दूं, यहां पर ई है सबसेट है ए का, अंडर एफ यानी जो इसके एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो मैप करेंगे रेंज। अब ये स्टूडेंट्स बी सेट है, अब इस ई सेट के लिए स्टूडेंट्स रेंज क्या है, एफ ऑफ ई है जो कि सबसेट है स्टूडेंट्स किसका, बी का। ये स्टूडेंट्स बी का सेट है यानी बी का क्या है, ये सबसेट। अब इसमें जो ई के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट के वो स्टूडेंट्स इसी रेंज में ही लाई करेंगे। यहाँ पर जो एफ ऑफ ई है स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर जो एक्स है वो बिलोंग करता है ई अंडर एफ, ये स्टूडेंट्स क्या होगा एफ ऑफ ई इस सेट ई का, या आप समझ लें हाँ जो ई है अगर वो सबसेट होता है ए का तो डायरेक्ट इमेज ऑफ ई वो स्टूडेंट्स ये सेट हो। नेक्स्ट है इनवर्स इमेज क्या होती है। इफ एच इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम बी में से कोई सबसेट लेते हैं एच, इसको यहां पर मैंने हाईलाइट किया होगा जो ये येलो कलर का है, ये स्टूडेंट्स एच सबसेट है इसका बी का, देन इनवर्स इमेज ऑफ सेट एच अंडर, अब यहां पर जो फंक्शन है वो एफ इनवर्स है। यहां पर स्टूडेंट्स ऊपर वाली फिगर में स्टूडेंट्स फंक्शन एफ था, अब ये स्टूडेंट्स फंक्शन क्या हो रहा है इनवर्स हो रहा। अब इनवर्स इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स किसी सेट एच की अंडर, यहां पर रख लें आप एफ को रख लें या एफ इनवर्स रख लें तब भी आपका ये दोनों यानी डेफिनेशन ठीक होंगे। इज द सबसेट एफ इनवर्स ऑफ एच ऑफ ए, यहां पर जो स्टूडेंट्स यहां पर हमने देखा था एफ ऑफ ई ऊपर वाली फिगर में ये सबसेट था बी का, अब जो नीचे है यहां पर जो एफ इनवर्स ऑफ एच होगा स्टूडेंट्स वो सबसेट होगा किसका, ए का, गिवन बाय यहां पर जो एफ इनवर्स ऑफ एच होगा उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए यानी जो एक्स होंगे स्टूडेंट्स वो ए से बिलोंग करेंगे, सच दैट जो एफ ऑफ एक्स होगा एक्स होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा सबसेट होगा एच का, यानी जो एफ ऑफ यहां पर जो एलिमेंट अगर हम कोई एक्स पिक करते हैं तो यहां पर जो एफ ऑफ एक्स होगा स्टूडेंट्स वो किसका होगा, एलिमेंट होगा किसका, एच का। तो इस एलिमेंट के लिए स्टूडेंट्स ये जो एक्स होगा वो क्या होगी इनवर्स इमेज। अगर हम एफ ऑफ यहां पर अगर एक्स है
अगर हम इसको बिलोंग करता है ये एच से, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो एक्स होगा स्टूडेंट्स वो बिलोंग करेगा एफ इनवर्स ऑफ एच से। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्स है ये उसकी डेफिनेशन है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेजेस। अब इसकी थोड़ी सी नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इफ ई है सबसेट है ए का, देन अ पॉइंट वाई बिलोंग टू बी। अगर कोई सेट ई है सबसेट है ए का, तो हम क्या कहते हैं वाई वन बिलोंग्स टू बी। अब ये जो वाई वन है इसी सेट बी में है, क्या कर रही है, लाइक कर रही है, बिलोंग कर रही है, इज द डायरेक्ट इमेज ऑफ एफ ऑफ ई। अब जो वाई वन है स्टूडेंट्स वो डायरेक्ट इमेज क्या होगी एफ ऑफ ई तब होगी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स वन बिलोंग्स टू ई सच दैट वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन। ये वही डेफिनेशन है फंक्शन की कि अगर अगर हम कहते हैं कि y1 स्टूडेंट्स ये b से बिलोंग करता है, ये डायरेक्ट इमेज होगी किसकी f ऑफ e की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये f ऑफ e है, अगर हम कहते हैं कि y1 इसकी डायरेक्ट इमेज है, इसका मतलब ये होगा कि सेट e में कोई एलिमेंट x1 बिलोंग करेगा और जो x1 होगा स्टूडेंट्स वो मैप करेगा y1। ये यहां पर मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है, जो x1 अगर मैप करता है y1 पर तो हम किस तरह लिखते हैं y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1। तो यही डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स, फंक्शन की भी यही डेफिनेशन होती है और यहाँ पर स्टूडेंट्स डायरेक्ट इमेज की भी इस तरह की डेफिनेशन आती है। सिमिलरली h अगर कोई सबसेट है b का, यहाँ पर जो h सेट है सबसेट है b का, देन अ पॉइंट x2 बिलोंग्स टू e। अब ये पॉइंट स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट x2 किस से बिलोंग करे स्टूडेंट्स, e से बिलोंग करे, इज द इनवर्स इमेज ऑफ f इनवर्स ऑफ h। अब देखें स्टूडेंट्स f इनवर्स ऑफ h वो किसका स्टूडेंट सबसेट है a का, ये हमने अभी देखा कि f इनवर्स ऑफ h वो सबसेट है a का। अगर हम कहते हैं कि x2 बिलोंग्स टू e, अगर वो इनवर्स इमेज है, देन इफ एंड ओनली इफ y2 किसके इक्वल हो स्टूडेंट्स f ऑफ x2 के इक्वल हो। तो यहां से हम अगर x2 की वैल्यू फाइंड करें तो वो स्टूडेंट्स क्या आएगी f इनवर्स ऑफ y2 है जो बिलोंग करे h से। तो इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम यहां से x2 की वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स वो क्या आएगी f इनवर्स ऑफ y2 आएगी जो कि बिलोंग करता है स्टूडेंट्स a से या f इनवर्स ऑफ h से। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन थी डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेज की। इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।